32 मिनट। वैसे हमें कितना आता है, अक्यूमुलेशन कितना चाहिए रहता है, 401। ये अगर आपका अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस आता है, अक्यूमुलेट एपीबी, तो नॉर्मली आप यहाँ पे डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई, ऐसे क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन आपका अक्यूमुलेशन तो हो गया डायरेक्टर। ये क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया होते हैं डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई के लिए। पर एवरी मंथ आपको कितना करना पड़ता है, पीजी पीवी कितना करना पड़ता है, 1100। अब इसको निकालना है हमें बिजनेस वॉल्यूम में, तो कितना निकालोगे बिजनेस वॉल्यूम, कैसे निकालते बताओ, कौन बताएगा। पीवी को मुझे बीवी में निकालना है, तो क्या करना होगा, मैं क्वेश्चन पूछते पूछते करूंगी। हाँ, मल्टीप्लाई करना है 27 से। वेरी गुड लवीना जी, आप न्यू हैं और आपने बिल्कुल सही बताया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से, क्योंकि एक पीवी कितने का होता है, 27 बीवी का होता है। अगर हमें बीवी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करना है 27 से, और बीवी से पीवी निकालना है तो डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो हम इसे 1100 को करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 27 से, तो कितने का बिजनेस आपको देना है, कैलकुलेट करो फटाफट। 29,700, ये क्या आ गया, पीजीबीवी बिजनेस वॉल्यूम। पीजीबीवी का फुल फॉर्म मैंने बताया था कल आप लोगों को, क्या होता है पीजीबीवी, टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था आपको, क्लियर। अब हमें जो भी पीजीबीवी रहता है, हम क्या करते हैं, 2 का 1 बिजनेस वॉल्यूम मानते हैं। जैसे सपोज 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका 50% हम एवरेज बिजनेस वॉल्यूम मानते हैं, कल हमने सीखा था, मानते हैं ना, क्योंकि किसी में 70% बीवी, किसी में 60% है, किसी में 55 है, किसी में 50% है, किसी में 40% है, किसी में 30% है, किसी में 20 या 10 है। तो हम एवरेज निकालते हैं कि हमने पूरा जो लिया 50% का बिजनेस वॉल्यूम है, 2 का 1 बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 29,700 × 2 करते हैं, तो कितना अमाउंट का आना चाहिए आपका, टर्नओवर कितना करना होगा आपको डायरेक्टर बोनस के लिए एवरी मंथ आफ्टर 16%, बताओ। 2,970 × 2, तो आपको 5,940 का बस इतना बिजनेस करना है पर मंथ, पूरा महीना है, और आपको 60,000 का बिजनेस देना है, उसमें आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्टर बोनस आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। कर सकते हैं, आसान है, इतना सा करना है। और फिर हम क्राइटेरिया देखेंगे, अभी हम डायरेक्टर का सीख लो, डायरेक्टर का फिर सीनियर डायरेक्टर का हम निकालेंगे, कितने बोनस आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारी चीज हम क्लियर करेंगे। तो इसलिए आज जो सेशन चल रहा है ना, बिल्कुल विदाउट फेल ही आपको ये अटेंड करना है, जिसमें पूरा कैलकुलेशन आपको पूरे एक्सपर्ट बता दूंगी, और आप अपने टीम को भी इजीली सिखाओगे, और जिनको बोनस निकालना आ गया उनकी इनकम में भी पैसा बहुत आता है। तो पहले इसमें आपको फोकस करके रिपीट रिपीट पूछना, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं 10 बार बताने के लिए रेडी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब हमें डायरेक्टर बोनस निकालना है, ये क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया, इनका 16% हो गया, जो अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस से 16% दिख गया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे 1100 होता है, इतने अमाउंट आपको करने होते हैं, ये क्लियर हो गया। 2 क्राइटेरिया, डायरेक्टर क्वालिफाइड, ये हो गया क्वालिफाइड डायरेक्टर। अब क्वालिफाइड डायरेक्टर को क्या मिलता है, इसलिए हर कोई देखना, आप तो डायरेक्टर क्वालिफाई करके रहेंगे, डायरेक्टर छोड़ेगा नहीं अपना, है ना, कितना आसान है। आपको देखो बिजनेस कर रहे हो, कुछ आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करके प्रोडक्ट रख लो अपने पास में, बाद में उसे आप रिटेलिंग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आज देखना जितने लोग हैं, सब लोग डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे, क्योंकि बोनस बताने वाले हो आप लोगों को। जब बोनस आप खुद का कैलकुलेट करोगे ना, आपको लगेगा यार इतना पैसा तो मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ, ये मेरे अकाउंट में 9 तारीख को आना चाहिए। और अगर डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपको सिर्फ अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ये डायरेक्टर बोनस आपका हट जाता है। तो ये क्लियर करेंगे, पहले अपन को डायरेक्टर बोनस का क्या करना है, डायरेक्टर बोनस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितने लोगों को डायरेक्टर का बोनस का फॉर्मूला पता है, आ नोट डाउन कर लो इसको, डायरी में नोट डाउन कर लो इसको, रट्टा मार लो एकदम, तो याद कर लो डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला, क्योंकि हर चीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला क्या है, लिखो। पहले हमें डायरेक्टर बोनस निकालने से पहले हमें डायरेक्टर पॉइंट्स निकालने होते हैं, और डायरेक्टर पॉइंट कैसे निकलेंगे उसका फॉर्मूला लिख लो। डायरेक्टर
डायरेक्टर पॉइंट्स हम पहले निकालेंगे। देखो आपको जब आता है चेक आता है, आपने अच्छे से देखा होगा है ना, जब चेक आपको आता है बिजनेस में, आप जाते हो वहां पे डायरेक्टर पॉइंट, डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डर बोनस, पॉइंट पॉइंट निकलता है, फिर उसका बोनस दिखाता है। तो डायरेक्टर पॉइंट्स कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आज, ठीक है, उसका फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, पी जी पीवी लेंगे हम, क्योंकि बीवी से हम चेक निकालते हैं, पीवी है तो उसको कन्वर्ट करना है बीवी में। कन्वर्ट करते आ गया आपको, पीवी से बीवी कन्वर्ट कैसे करते, तो मैं इधर लिखूंगी नहीं अभी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट पीजी पीवी लिखा है इनटू 6%। देखो क्लियर मैं करना चाहूंगी, अपन को डायरेक्टर जो पूल है, डायरेक्टर पूल अपन जो बात करें कि इनकम बताया जाता है, वो कितने परसेंट अपन को मिलता है, डायरेक्टर बोनस कितने परसेंट मिलता है, चैट बॉक्स में लिखिए कितने परसेंट लिख मिलता है, 4% मिलता है ना। तो ये 4% इधर नहीं आएगा, बहुत लोग गलती करते हैं 4% निकाल लेते हैं, वो क्या होता है ऑल ओवर जो बिजनेस होता है। सपोज अगर इस महीने का फेब्रुअरी का जो मोदी केयर का टर्नओवर हुआ है 100 करोड़ का हुआ है ना, 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है फेब्रुअरी में, तो उसका जो 400 करोड़ का 4% जितने भी डायरेक्टर है, जितने भी डायरेक्टर है उनको वो बटता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, क्लियर है। वो 4% में कैलकुलेशन में नहीं आता है, वो पूल का 4% आपके लिए होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग ज्यादा डायरेक्टर क्वालिफाई करो, जो लोग आप डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करो ना, अपना बोनस किसी और को दे रहे हो आप, इसलिए जरूरी डायरेक्टर क्वालिफाई करना, ठीक है। और पीजी पीवी और ये फॉर्मूला याद रख लो, 6%, ये फॉर्मूला लिख लो। डायरेक्टर पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, पीजी पीवी मल्टीप्लाई बाय 6%, हमेशा 6% आएगा, ये फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला को वो कर रही हूँ, लिख लो जल्दी से ये। यस 6%, ये 6% वो अपने पीडीएफ में दिया है कि डायरेक्टर बोनस हम 6% कब कितना लेते हैं, ये पीडीएफ में लिखा है। आपने देखो टीम बिल्डर बोनस एसईडी का 6%, जैसे नीचे नीचे जाएगा ये होगा आपके खुद के पीजी बीवी का 6%, आपके डाउनलाइन का 5%, फिर उसके बाद आपके नीचे डाउनलाइन का 4%, ऐसे ऐसे जनरेशन हमें काम होती है। क्लियर, ये इसका टेबल दिया गया है इसलिए 6% है, मैं टेबल आपसे शेयर करूंगी ग्रुप में। क्लियर, देखो मैं टेबल बताती हूँ। ये टेबल दिया है डायरेक्टर बोनस का, हमें अपने इसका सेल्फ का 6% मिलता है, फिर हमारे जो नीचे डायरेक्टर रहते हैं उनका 5 मिलता है और उनके नीचे का 5-4 मिलता है। ये मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो 6% का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा हमें क्या निकला, हमें डायरेक्टर पॉइंट्स निकल गए इसमें। अब इसके डायरेक्टर पॉइंट्स कितने निकलेंगे बताओ, पीजीबी भी कितना है इसमें, पीजीबी भी बताओ कितना हुआ, पीजीबी भी कितना हुआ बताओ, चैट बॉक्स में एक्टिव रहो प्लीज, फिर मुझे भी लगेगा आप लोग को अटेंशन है। पीजीबी भी कितना हुआ, वेरी गुड रूपाली जी, मुझे एक्टिव चाहिए है ना, कितने लोग हैं, तो पीजीबी भी मैंने इधर लिखा है ना, यही बताना है आपने, अपन ने ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, 2,9,700 इंटू 6, निकालो कितना परसेंट आया, कितना आया निकालो, कैलकुलेशन करके अब खुद से कैलकुलेट करोगे ना आपको और मजा आएगा। 2,9,700 इंटू 6%, तो पॉइंट कितना निकला है इसका, 1,782 है ना। फिर उसके बाद डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला, डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला ध्यान से लिखो, किसको आता है डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला, डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला है डायरेक्टर पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स वैल्यू। ये इंडेक्स वैल्यू अकॉर्डिंगली बिजनेस, पूरे वो मोदी केयर का जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होती है एवरी मंथ, लेकिन एक एवरेज में बताऊंगी कितना होता है इसका वैल्यू। डायरेक्टर पॉइंट्स क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू
मैम नीचे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला है डायरेक्टर पॉइंट, ये अपन ने निकाली। इंडेक्स वैल्यू हर एवरी मंथ चेंज होता है, यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उतना, है ना? इसका वैल्यू जो होता है, इंडेक्स वैल्यू है 1.25। ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो, 1.25 ये इंडेक्स वैल्यू है ना? अब डायरेक्टर बोनस हम निकाल रहे हैं। अब डायरेक्टर पॉइंट हमने निकाल लिया 1782, अब इंडेक्स वैल्यू है 1.25, करो कितना आया? वन सेवन एट टू इंटू 1.25 कितना डायरेक्टर बोनस मिला? 2227, इतना आपका डायरेक्टर बोनस मिला। आप बोलोगे इतना, लेकिन इसमें अक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है। डायरेक्टर जो क्वालिफाइड होते हैं उनको कितना एक तो डायरेक्टर बोनस मिलता है ना? लेकिन फिर भी अगर 2000 भी आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, तो 2000 इतना इम्पोर्टेंट बोनस है। डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर को क्या क्या मिलता है? डायरेक्टर बोनस नीचे दिख रहा है क्या आपको? डायरेक्टर बोनस मिलता है प्लस अक्यूमुलेशन। इसलिए कोई बोलता है कोई डायरेक्टर को ज्यादा पैसा आ गया किसी को, क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो भी, प्लस अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस, ये भी, ये दो तरीके की इनकम मिलती क्वालिफाइड डायरेक्टर को। क्लियर है? लिख लो इसे, ठीक है? हमें ऊपर का उठा हुआ ये कर रही हूँ। फॉर्मूला लिख लिया अपने डायरेक्टर बोनस का। डायरेक्टर पॉइंट्स में हमेशा पीजीपीवी का 6% निकलता है हमेशा। क्लियर? अब हम जानते हैं कि अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, और आपको डायरेक्टर बोनस सारा, आपको डायरेक्टर का कितना चेक आएगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब ये आप हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना? आप हो 15% पे, ठीक है? आप हो 15% पे, और आपका अक्यूमुलेशन एबीबी जो आप ऊपर दिखता है वो है 2950, सॉरी 2750, 2750, और ये आपके ए बी सी डी ई, ये आपकी 5 लेके, है ना? अब ये है 13% पे, ये है 10% पे, ये 15% पे, ये 7% पे, और ये है 10% पे। क्लियर? अब ये बिजनेस करे इन्होंने 10,000 का, मैं के लिख देती हूँ, 10,000 को 10K लिख रही हूँ, ठीक है? जीबीवी का इन्होंने किया 5K जीबीवी, इन्होंने किया 15K यानी 15,000 जीबीवी, इन्होंने किया 3K जीबीवी, और इन्होंने किया 6K जीबीवी यानी 6,000 का। अब मुझे बताना कि ये डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है क्या? ये डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है क्या? प्लीज फोकस ऑन दिस, मैं क्वेश्चन पूछूंगी किसी से भी, क्योंकि एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, आगे अपनी टीम को ही बताना है। क्लियर? अब ये डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है, कितने लोग बोल रहे हैं? यस,
ना ये क्वालिफाई हो सकता है ना, क्योंकि इधर 2750 ये कितना चाहिए हमें डायरेक्टर क्वालिफाई के लिए, 16% के लिए कितना चाहिए जल्दी बताओ मुझे। हाँ 16% के लिए कितना चाहिए, 4001 चाहिए। ठीक है, अब हमें 4001 चाहिए और अभी कितना बाकी है जानना है। ठीक है 400 रिक्वायर फॉर 16%, क्योंकि 16% क्राइटेरिया चाहिए रहता है ना। अब हमें ये निकालना है 4001 कितना बाकी है उसका, अकुमुलेशन में हम माइनस करेंगे 2750 से कितना आया बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट कितना बाकी रहेगा उनको डायरेक्टर 16% के लिए कितना बाकी रहेगा। 4001 माइनस 2750, ये 1 जरूरी है ना, 1251 पीजी पीवी रिक्वायर फॉर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, रिक्वायर फॉर 16%। ठीक है, और 1100 चाहिए, इससे ज्यादा ही हो गया। तो आपके इसमें भी जो 15% पे है ना, उनको देखो कि डायरेक्टर निकाल सकते हो आप इस मंथ में। आज से देखना 15% का डेटा निकालना कि वो भी डायरेक्टर इजिली क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा और उनका इनकम बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है क्लियर, आप मुझे बताओ इनका चेक कितना आएगा, कितना आएगा इनका चेक जानना चाहते हो। पहले हम निकालेंगे अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस निकालते हैं। ठीक है, अब हम अकोमेशन परफॉर्मेंस बोनस कैसे निकालते कौन बताएगा, हैंड रेस करो, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग को भी आना चाहिए। और न्यू में से कल मैंने पूरा अकोमेशन परफॉर्मेंस बोनस सिखाया था, तो कौन बताएगा, हैंड रेस करो, आज मैं ही निकालूंगी अकोमेशन परफॉर्मेंस बोनस। यस रूपाली जी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ यस मैम। अभी अकोमेशन परफॉर्मेंस बोनस हमें इनका निकालना है। मैम पहले तो वो 15% जो अपना पीपीवी होना उससे निकलेगा ना, 15% पे है ये इनका पर्सनल पीपीवी, इसका पता होना चाहिए ना पहले कितना पीपीवी किया है। 100 PV तो फास्टेस्ट ग्रोथ उसी से आता है। 100 PV है, और जो इसके ए का है, ए का 13% पे है तो इसका 2% जाएगा, वेरी गुड, और बी का जाएगा 5%। 10% पे, इसलिए 15 माइनस 10 है ना, 5%, और सी उसी का का कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो जो लोग अपनी शॉपिंग रोकते हैं ना कि मैं ज्यादा शॉपिंग कर लूंगी ऊपर वाले को फायदा होगा, तो देखो फायदा नहीं होता। क्लियर हो गया, बहुत लोग अपना ये छोड़ देते हैं, 100 PV कर लूंगी ना ऊपर फायदा होगा, नहीं होता, क्योंकि आप सेम लेवल पे होते हो ना। और देखो इनका भी देखो कितना छोटा, 50 50 रुपए का फायदा होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा कब होता है, जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं, वो सारी में बताने वाली बोनसेस, उस डायरेक्शन में आप काम करना चालू करोगे, फिर फ्रंट में ज्यादा लेग लगाओगे ही नहीं आप, ये पूरे 10 10 लेग लगा रहे हो, 10 10 फ्रंट में लगा रहे हो, है ना। लेग क्या होती है, लेग, ये लेग को लेग बोला जाता है, ये एक लेग है ना, बहुत लोगों को लेग ही नहीं पता कि लेग किसे बोलते हैं, ये ए वाली लेग हो गई, ये दूसरी लेग होगी, बी, ये सी, तीसरी लेग, ये डी, फोर्थ लेग, ई, फिफ्थ लेग। ठीक है, वो अक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप फ्रंट में लगा लेते हो, लेकिन असली वो एक ही लेवल में कभी ना कभी तो आएगा नीचे वाला भी, तो वो बोनस आपका कैंसिल हो जाता है, वो 16 16% पे आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा परफॉर्मेंस बोनस के पीछे नहीं भागना है। बहुत लोग को लगता है कि मैं तो शॉपिंग कर रही हूँ ऊपर कुछ नहीं आता, देखो 15% 15 माइनस 15 0 हो गया। अब इधर बताओ डी पे कितना आएगा रूपाली जी, 8%, 8% वेरी गुड, एंड ई का 5%। 5%। ठीक है, ये हो गया आपको हमेशा परफॉर्मेंस बोनस। अभी हम निकालेंगे पहला, इसलिए सबसे ज्यादा खुद अगर आप शॉपिंग कर रहे हो अपनी, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलेगा, पूरा 15% मिल रहा है आपको। यस जितनी ज्यादा शॉपिंग आप खुद करोगे उतना ज्यादा चेक आपको मिलेगा, नहीं ऊपर वालों को नहीं मिलता, आपको ही फायदा मिलता है, क्योंकि देखो पूरा 15 का 15% मिल रहा है, यहाँ तो क्रॉस भी हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अकोमेशन परफॉर्मेंस बोनस हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे बताओ रूपाली जी खुद का। पहले अपन क्या करें, उन्होंने 100 PV किया, क्या करना पड़ेगा, 27 BV, 27 × 15%, हाँ ये रूपाली जी का ही सेवन निकाल हंड्रेड दिया, इंटू रूपाली जी, यू यानी रूपाली जी,
हंड्रेड पीवी को हम किस में निकालेंगे, 27 बीवी में, क्योंकि बिजनेस कैलकुलेशन में बीवी जरूरी है, 27 से मल्टीप्लाई पीवी को करना है, ठीक है। और यस ऑलरेडी पीवी है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, कितना आया 2700, ठीक है। और यस आपको 15% इसका मिलेगा, कितना यस आया, चालीस 405 फोर 2700। जीरो अच्छा 15% आता है 405, वेरी गुड। देखो तो खुद के जितने 100 PV किया, 405 आपको ही मिला है, किसी और को नहीं मिला है राइट ना। तो आपने जितनी अपने पीवी पे पीवी बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। फिर ए का यस कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, 13 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30, तेरह तो 2% हो गया। तो इन्होंने भी की कितने, 10,000 का इनका है जीबीवी, इसमें पीवी नहीं है तो 10,000 बीवी वो ही है, तो 27 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, कितना करना है, 2%, कितना आया, 10,000 का इंटू 2%, 200 200, 200 बिल्कुल 200 मिला। फिर बी से कितना मिला इनको, 5%, इनका जीबीवी कितना है, 5,000। अब 5,000 का हम निकाल के 5% निकालो, कितना हुआ, 250, 250 वेरी गुड। जो पूरा क्लियर हो जाएगा, रूपाली जी फ्रंट में आए, जो पहले आता है ना फ्रंट में, उनका उनका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सी, सी का कुछ मिलेगा, नो नो, तो सी से कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद में, इसलिए बी अपने का लेवल के पीछे करना, आगे ऊपर वाले की नहीं सोचना कि मेरे शॉपिंग से कितना फायदा, कुछ ज्यादा फायदा अकोमेशन में होता ही नहीं है, है ना। फिर डी का कितना मिलेगा, 3000 इंटू 8% 240 हाँ इनका 240 मिला। इसे न्यू ज्वाइनिंग लगाना भी, देखो आपने जब न्यू ज्वाइनिंग लगाओगे तो 7% पे आ जाएंगे, वैसे आप कर सकते हो, पर ज्यादा फ्रंट में नहीं लगाने। तो इसके बाद ई का कितना मिलेगा, 300 6,000 इंटू 5%, तो 300। 300 अब मुझे बता टोटल कितना बोनस, अक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस मिला, टोटल अक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस,40 4 6 8 फोर जीरो 10 फाइव 13 1345 वाह देखो 1, 3, 4, 5, तो इनको अक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस ही मिल गया। आई थिंक यस किसका मैसेज आया, कुछ समझ में नहीं आया किसका है, उनको अनम्यूट करो, उनको नहीं क्लियर हुआ, एक पॉइंट समझ में नहीं आया। देवदीप जी हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट की परमिशन दे रही हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस लेना बहुत जरूरी है। हाँ यस देवदीप जी आप अनम्यूट कर सकते हो। बताओ, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। कैलकुलेशन बराबर नहीं हुआ क्या, 405 प्लस 405, देखो ये वाला प्लस करो, फिर 200 प्लस 250, 13 13 मैम 1395 आई थिंक प्लस में गलत हुई मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुई है अच्छा हाँ प्लस में मिस्टेक हुई 13 13 से 1395 आता है, 1395 है गुड, यानी एक्टिव है सब लोग, मिस्टेक निकाल रहे हैं, वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड। अनम्यूट कर सकते हो देवदीप जी, मैंने अभी परमिशन दी थी आपको, जल्दी से कर लेना अनम्यूट ना। यस मैम जो ये फर्स्ट लाइन है एपीवी 100 PV इनटू 24 इज इक्वल टू 2700 ये वाली लाइन समझ में नहीं आई बस 100 PV 27 है, 24 नहीं है, मैंने बताया ना, वन ओके पीवी इज इक्वल टू 27 बीवी, तो हमको बीवी निकालना पड़ेगा। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ये है ओके ना, ठीक है मैम ठीक है 27 है ये, हमने बीवी निकाले, ये बीवी पीवी से, और यहाँ पे ठीक है ऑलरेडी ओके मैम जीबीवी लिखा हुआ था, तो इसलिए पीवी नहीं निकला है, डायरेक्ट जीबीवी था, तो मैंने इधर डायरेक्ट वो लिखा है, क्लियर। यस मैम हाँ क्योंकि बीवी से हमेशा हमें चेक निकलता है। यस मैम ओके अब निकालेंगे रूपाली जी डायरेक्टर बोनस, ठीक है रूपाली जी।
यस मैम श्योर। तो ये लिख लो 1395 अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस मिल गया है रूपाली जी को। अब मैं मिटा रही हूँ, आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा सारा, ठीक है। सिर्फ इनका जीबीपी टोटल लिख लेते हैं अपन, यस स्ट्रक्चर तो रहने देते हैं। अब हम इनका पहले अभी डायरेक्टर बोनस निकालने के लिए हमको पूरा इनका पीजीबी भी निकालना पड़ेगा। अभी इनके नीचे कोई भी डायरेक्टर लेवल पे 16% पे कोई भी नहीं आया है, तो इनको पूरा बिजनेस जो जीबीवी में दिखेगा वही बिजनेस पूरा पीजीबीवी में दिखेगा। अब हम इनका निकालने वाले हैं, पूरा टोटल निकालेंगे, ठीक है। अब 100 PV यानी 2700 BV होता है, तो डायरेक्ट हम 2700 इनका लिखेंगे, प्लस इनका कितना है, ए का 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, इससे डायरेक्ट इनका कैलकुलेट हो जाएगा सी में, डायरेक्टर बोनस में इनका इंक्लूड होगा, ठीक है। प्लस 3,000 प्लस 6,000, टोटल लगाओ कितना हुआ, 417 00 41,700 इनका जीबी पीजीबीवी हुआ। ये क्या हो गया इनका पीजीबीवी, और अभी डायरेक्टर नीचे निकला तो यही अमाउंट दिखेगा जीबीवी में भी, ठीक है। अब ये इनका बीवी है, पीवी नहीं है, जीबीवी निकाला है हमने। अब मुझे बताओ इनको कितना चाहिए था एक्युमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस में, पीवी टू कितना नाइन सिक्स चाहिए था, 2750 चाहिए था। यस 2750 को मल्टीप्लाई करो 27 से, मैम 2750 नहीं चाहिए था, 1251 चाहिए था। अच्छा हाँ आपने माइनस किए थे 401 से, यस राइट, यस 1251 चाहिए था, 1 माइनस 2750 तो कितना चाहिए था, 1251।1251। वेरी गुड रूपाली जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो देखो जिनका ध्यान एकदम है तो क्लियर बता रहे हैं ना। तो अब इनको हम बीवी में निकालेंगे तो 27 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 27 337 ठीक है। अब इनका डायरेक्टर का अकोमोडेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया, क्योंकि इनको इतना बीवी चाहिए था, और कितना हुआ है, इतना ऑलरेडी हो चुका है, ज्यादा ही हुआ है, तो इनका 16% आ गया, 15% से 16% पे आ गए, ठीक है, क्लियर। यस मैम ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, समझ में आ गया ना आप लोगों को। यस अब मैम हमें यस क्या मैम करना है, अब हमें पीजीबीवी निकल गया, इतना इनका आया है, अभी अपन निकालेंगे डायरेक्टर बोनस, ठीक है। और डायरेक्टर बोनस कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। हाँ मैम डायरेक्टर बोनस इनटू 6% पीजीबीवी इनटू 6% तो पीजीबीवी कितना है इनका, 41700 इंटू 6%, तो कितना हुआ, निकालो, इस परसेंटेज वाली ही निकालना भी आना चाहिए आप लोगों को। कैलकुलेटर में क्या करना पड़ता है देखो मैं बताती हूँ, 41700 इंटू करना है, मल्टीप्लाई 6% का साइन आता है, परसेंट कर लो, तो टू कितना निकला, फाइव टू थ्री टू फाइव टू जीरो फाइव जीरो जीरो टू टू है ना। अब ये पॉइंट निकल गया, सॉरी डायरेक्टर पॉइंट निकल गई है, अब डायरेक्टर बोनस का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टर पॉइंट इनटू 1.25 इंडेक्स वैल्यू, यस इंडेक्स वैल्यू है ना। अब डायरेक्टर बोनस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टर पॉइंट डीपी इनटू इंडेक्स वैल्यू, क्या है इसमें, डायरेक्टर पॉइंट 2502 इनटू 1.25, कितना आया, ये हमेशा याद रखना, ये वाला, ये वाली पीजीबीवी इंटू 6% है ना, क्योंकि हमेशा एलपीबी कैलकुलेशन में भी यही आता है, टीबीबी बोनस में भी यही आता है। तो कितना बोनस आया, 3127 ये अमाउंट आया, क्लियर। जाने गेट बंद कर ले। दिख रहा है आपको बोर्ड,
अब इनका यस मैम, रूपाली जी का चेक कितना आएगा बताओ, चेक कितना थ्री एपीबी। थ्री सेवन प्लस 1395। हाँ, और डायरेक्टर बोनस ये दोनों मिलते हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर को, तो इनका आ गया 1395 4522.5 3127 45 2.5 0.5। इतना अमाउंट उनके अकाउंट में आएगा 4,500। कांग्रेचुलेशन रूपाली जी, आपका चेक डायरेक्टर का। थैंक यू मैम। अब एक इसका दोनों दूसरा, एसपीवी था है ना, तो ये यस अपना हो मैम, जाएगा। इतना बोले से हम कैलकुलेशन करके हम किसी को बता सकते, क्लियर बिल्कुल है? स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला लिख दो, रट लो, ये निकालना है अपन को। कोई पूछे चेक इस कैसे निकालना है, उनको आना चाहिए। इसलिए कभी मैम बीच में इसका, थोड़ी थोड़ी पॉइंट से छूट जाते हैं। अगर सपोज वो डायरेक्टर बोनस नहीं करते, डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं करते 1100 से, तो सिर्फ उनको इतना अमाउंट ही मिलता। यस किसी किसी को तो ये सेम लेवल पे आते तो मिलता भी नहीं, तो 500 200 रुपए या खुद के इस शॉपिंग का 200 रुपए ही मिलता है फिर डायरेक्टर को। इससे डायरेक्टर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इतने सारे आप रिटेलिंग करो, लेके रख लो भले डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए। अगर अभी क्लोजिंग चल रही है, अभी आपके इतने वो नहीं हो रहे, तो प्रोडक्ट्स खरीद के रिटेलिंग करो। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से हर कोई लेता है। क्लियर? यस मैम। मैम इसका दूसरा क्राइटेरिया भी बताइएगा कि हाँ अगर नीचे वाला 16% पे है, हाँ मतलब अगर वो डायरेक्टर क्वालिटी, क्वालिफाई नहीं कर रहा, तब हमारा बोनस कितना ये बनेगा। आगे आने वाली थी, मैं सबके निकालने वाली हूँ आज, है ना। यस मैम। और प्लीज स्ट्रक्चर भी बताइएगा जिसपे हमें 10,000 से ऊपर डायरेक्टर में इनकम बनेगी, वो देखो, स्ट्रक्चर दस भी हजार की बताइएगा। इनकम कैसी बढ़ेगी रूपाल जी? ये अमाउंट को बढ़ाओ पीजी बीवी को, ये 50,000, 1,00,000, ओके 1,00,000 पे आ जाएगा। तो आप निकालो कितना डायरेक्टर बोनस निकलता है आपका। नहीं, उसका मतलब हम स्टार्टिंग में 4 लैक्स पे काम करें या 3 लैक्स पे या 2 लैक्स पे, ये आप क्या सजेस्ट करोगे जिनको हमने मैं डायरेक्टर भी स्टार्टिंग में बनाना तुम्हें है। ठीक बोलूंगी आपने 4 का स्ट्रक्चर, फ्रंट में 4 लगाओ, पहले है 4 लगाओ फ्रंट में, उसके बाद एक के नीचे एक लगाओ। पहले खुद की 4, जो टेबल भी जो है 4 लेग पे होता है। तो पहले तो मैं 2 पे काम कर रही हूँ अभी, जैसे जो नए ज्वाइनिंग हुए हैं 1-2 महीने पहले, तो मैं 2 स्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ 2 लैक्स आपकी पे। फ्रंट में तो ज्यादा लगी होगी, आई होप है ना, लगी यस होगी मैम, है लगी ना। हुई है फ्रंट पे हाँ, ना। 2 लेग पे कर लो, क्योंकि 25,000 की इनकम अपन को चाहिए एलपीवी पे। अगर वो स्ट्रक्चर को आप यस संभाल, क्योंकि नए लोग रहते हैं ना, वो इतना स्ट्रक्चर नहीं संभाल पाते हैं। वो 2 लेग पे यस काम कर लेंगे तो 1 लेग बहुत खींच जाती है, दूसरे लेग पे काम होता नहीं है ज्यादा, फिर उनको क्वालिफाई जी करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए 4 के लिए बोला जाता है कि एक नहीं तो एक 4 लोगों पर ध्यान दे ही सकते। ठीक है, अब जी देखो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका बोनस बढ़ेगा, इसलिए हमें ये बिजनेस को बढ़ाने में करना चाहिए। ओके मैम। अब दूसरा भी मैं बताऊंगी कैसे और कैलकुलेशन होगा। रोलअप, कल हमने एक वर्ड सुना था रोलअप, आज वो रोलअप का हम देखेंगे। देखो, अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करते तो कितना ऊपर में फायदा होता है। अब सबको देखना, सब डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे। अब ये दूसरा मैं ले रही हूँ, इसमें ये आप हो। अब इसमें किस किस को लो, रूपाली जी की जगह दूसरा कौन और हैंड रेस करेगा? जो डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर से ऊपर है वो लोग, ही रेणुका जी। यस रेणुका जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक मिनट। हाँ यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैम थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। अच्छा, चल ही रहा है आज तो, मेरी भी ऐसी ही है हाँ जी मैम, ये है रेणुका जी, ठीक है। अब इनका हम निकालेंगे स्ट्रक्चर। ये रेणुका जी है, ये हमेशा 100 पीवी करते हैं, 100 पीवी क्लब है, इनका फास्टेस्ट ग्रोथ होता है। 100 पीवी इनको मल्टीप्लाई करते हुए हम निकालेंगे इनका बीवीवी, 27 पीवीवी पर्सनल, ठीक है। और ये है 16% पे ऑलरेडी। अब नीचे है ए बी सी डी है ना। अब ये है 10% पे, ये 13% पे भी, ये 15% पे, और ये है 16% पे डी है ना। अब ये इनका जो आता है, इनका है 5,000 जीबीवी, नहीं लिख रही हूँ मैं, पीवी नहीं लिख रही हूँ, जीबीवी से कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये 10,000 जीबीवी, और ये 15 है इनका जीबीवी होता है, ये लेग से होता है जीबीवी इतना।
और 16% का होता है 20,000 GBP। क्लियर? ये लिख लो आप, ही ध्यान से दिख रहा है आपको सब, ये नोट डाउन कर लो। अब इसका कैलकुलेशन निकालना है रेणुका जी, है ना। पहले क्या निकालेंगे हम, अक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस APB। अब बताओ कितना आएगा चेक आपका अक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस में। रेणुका जी आर यू देयर, आर यू देयर? मुझे पार्टिसिपेंट चाहिए, और वो भी ना वीडियो ऑन वाली चाहिए। कौन हैंडल कर रहा है? देव जी बिल्कुल। अनम्यूट हो रहा है क्या? अनम्यूट कर पा रहे हैं रेणुका जी? क्या हो गया आज, केबल ही नहीं हो रही? यस मैम, हाँ हो गया ना, ठीक है। अभी अनम्यूट ही रखिएगा, है ना। ओके मैम। आप मुझे बताओ कि एपीबी ऑक्यूमेशन परफॉर्मेंस बोनस आप कितना कैलकुलेशन होगा, कैसे होगा बताओ। मैम जैसे फर्स्ट तो है ये 10% पे है, तो इसका आएगा आपने पहले फर्स्ट अपना बताओ खुद का, जैसे रूपाली जी ने पहले खुद के पीवी का बताया, वैसे आप अपना बताओ पहले अकोमेशन कितना होगा। ये आप जो रिवर्स 100 PV थे इसको आपने 27 से किया, 27 आ गया, 2700 हाँ इंटू जैसे अब मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ तो 16% होगा इसका, हाँ तो कितना आया आपका, दैट विल बी कितने देर में रविंद्र मैंने पूरा कर ही लिए, देखो फास्ट कैलकुलेशन है ना, 42 आ गया आपका, है ना। फिर हमें 16% पे, आप 16 माइनस 10 कितना होता है, 6% सिक्स मैम। परसेंट 16 माइनस 3 कितना हुआ, 2% कितना हुआ, मैम 6% हुआ ना, ये तीन ए टेन परसेंट परसेंट ये बी का मैं फटाफट निकाल रही हूँ, 15 माइनस ये 1% मिलेगा, ये 16 16 है तो क्रॉस हो गया, ठीक है क्लियर ओके हो ओके गया। यस। अब ए का कितना मिलेगा, 5,000 × 6% निकालो कितना हुआ, और ये बी का कितना आएगा, 10,000 GBP है इनका, 3% मिलेगा। सी का कितना मिलेगा, 10,000 × 1%, और 16 16% - 16 तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। निकालो फटाफट कितना होता है, यस मैम 5,000 6%, 300 इनका हुआ, 300 मैम, 10,000 का कितना हुआ रेणुका जी बताओ, 3%, 300 इनका हुआ मैम, और इनका और इनका हुआ 100, और डी का अपने को मिलेगा ही नहीं। हाँ। अब टोटल बताओ कितना हुआ, 432 + 300 + 300 + 100, 1132 मैडम, 1132। वेरी गुड। मैम 1132। हाँ, तो ये आया अमाउंट अकुमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू अब मैम। आपका डायरेक्टर बोनस निकालेंगे, अब डायरेक्टर बोनस बताओ कितना आएगा, इसको मैडम मिटा लो, डायरेक्टर अकुमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस को हटा पहले, दूँ मैं यस डायरेक्टर पहले। पॉइंट्स अपने को निकालने हैं मैम। हाँ इसको मैं अकुमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस 1132 याद रखना ना। हाँ 1132 मिला अपन को, अब हमें पूरा टोटल निकालो कितना हो रहा है, टोटल टोटल हो रहा ट्वेंटी मैम, सेवन हंड्रेड बीवी निकाल रही हूँ डायरेक्ट, 27 + 5,000 + 10,000 इस बिजनेस का, +10,000 + 20,000 कितना हुआ, टोटल जीबीवी कितने हुए आपके, मैम 47, 4770 मतलब 47700, 47 700 47 हंड्रेड, ठीक है।
मैंने 47,000 थाउजेंड सॉरी बीवी निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये यस टोटल हुआ जीबीवी अभी। हाँ जीबीवी नहीं हुआ, ये कितना हुआ, हाई जीबीवी हुआ, ठीक है ये आपको जीबीवी में दिखेगा, लेकिन क्या डायरेक्टर बोनस में ये कैलकुलेट होगा? यस मैम इनका बिजनेस कैलकुलेट होगा डी का? मैम बी का तो ये 16% पे आ गया ना, तो इसका तो अपने को नहीं मिलेगा ना, इनका तो अपना कट हो जाएगा। वेरी गुड, यही मैं बोल रही थी, ये जीबीवी में दिखेगा, लेकिन जब डायरेक्टर बोनस हम कैलकुलेट करेंगे ये डी तो नहीं, क्वालिफाई तो हुआ भी नहीं, क्योंकि कितना चाहिए, 29,700 जीबीवी चाहिए, इसका कितना आया, यस 20,000 हुआ, तो ये क्या होगा, यस रूल अप जाके यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा, ओके ये रोल अप जाएगा, ये जीबीवी में तो इसका भी बिजनेस दिखाएगा, लेकिन जब पीजीबीवी कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टर लेक का बिजनेस छोड़ के करेंगे, तो पीजीबीवी निकालना है हमें इनका, निकालो कि मैम, निकालो। इसके लेग को हमें लीव करना पड़ेगा ना। हाँ अभी जीबीवी में तो ये अमाउंट पूरा दिखाएगा, लेकिन पीजीबीवी हमें निकालना है, तो कितना आएगा बताओ? अपने को टू ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस कर सेवन देंगे, 20 माइनस कर देंगे 20,000 मैम, तो इट इज 27, ट्वेंटी कितना आया? सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड हाँ मयूरी ने बताया 2770, यस मैम इतना ही आया ना, ये पीजी यस मैम बीवी हो गया, क्योंकि ये वाला लेक का बिजनेस नहीं आएगा, ठीक है ये वाला हमने कट कर दिया, क्योंकि पीजी बीवी में डायरेक्टर लेक का बिजनेस काउंटर नहीं होता। अब मुझे बताओ 2770 में डायरेक्टर क्वालिफाइड रेणुका जी हुए क्या? इतने पीजी बीवी हुए 2770 में, रेणुका जी क्या डायरेक्टर क्वालिफाई हुए क्या? नहीं हुआ ना। वेरी गुड, यार कैलकुलेशन बराबर नहीं कर रही, सॉरी मैं खुद ही कर लूँ क्या, एक बार मैं लिख भी रही हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट अच्छे से कैलकुलेशन करना। देखो 27,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 और प्लस 10,000, हाँ बराबर है मयूरी, 2770 ही तो है, मैम टू यही है, सेवन तो सही हाँ ये 27,700 हुआ। डायरेक्टर क्वालिफाई के लिए कितना चाहिए रहता है हमें, पीजीबीवी 29,700 चाहिए, तो क्या ये डायरेक्टर क्वालिफाई होगा, रेणुका जी डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे? मैम नहीं हो रहा ना, कम रह गया, क्योंकि 1 लाख हमारी 16% पे थी, तो वो हमारा रोल अप नहीं हुआ। रोल अप हुआ, आप डायरेक्टर क्वालिफाई हुए, क्योंकि नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये भी आपको बिजनेस मिलेगा, तो ये हो जाएगा रोल अप मिलके 47, आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाओगे। रोल ये कैसे मैम, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। अप क्या होता है, जब नीचे वाला जो देखो डायरेक्टर क्वालिफाई डी लेग नहीं हुई आपकी, ठीक तो है उसका बिजनेस रोल अप होके आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन बोनस में काउंटर नहीं होगा, ओके पर आपका डायरेक्टर क्वालिफाई लेवल में हो जाएगा, क्योंकि ओके आपको मैम चाहिए 29,700 चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 4,700, है ना, ये रोल अप चला जाएगा ये बिजनेस आपको, और आप डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कभी भी ओके डायरेक्टर का फॉर्मूला लिखो, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो आप, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ आपको ना, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन फॉर्मूला नीचे अगर कोई डायरेक्टर आता है तो उसके लिए बता रही हूँ ये फॉर्मूला, है ना, नीचे अगर कोई आपका 16% पे है तो उसका फॉर्मूला है पी जी बी वी प्लस रोल अप। ये रोल अप क्या होगा, तो ये रोल अप है जो 60% पे है, जो डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं हुआ, इसका फॉर्मूला लिख लो आप, है ना। अब कितना आया पीजीबीवी, कितना हुआ 2770 प्लस यस रोल अप, मैम कितना हुआ 20,000, तो कितना हुआ 47,000 हुआ, तो क्वालिफाई तो हो के डायरेक्टर, क्लियर यस मैम यस यस मैम है क्लियर किसी कोई कंफ्यूजन? चैट यस देख लेती हूँ, ठीक है लिख लो इसे फटाफट। अब हम डायरेक्टर बोनस निकालेंगे, कि नीचे नीचे फिर आपको दिखता नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा बंद, है ना, सिर्फ ये अमाउंट लिख लो कितना पीजीबी भी है कितना। पीजीबी भी कितना है इसका,
277 700 मैम। ठीक है। अब हमें डायरेक्टर बोनस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा डायरेक्टर बोनस के लिए? हेलो मैम, डायरेक्टर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपने को। हाँ मयूरी जी, अपन को डायरेक्टर क्वालिफाई के लिए पीजी, जो पीजी पीवी है वो 1100 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 27 से तो पीजी पीवी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? जीवी भी नहीं देखते हम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए, रोलअप का हम देख लेंगे उस, जैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए रोलअप। क्लियर है ना आपका? अब डायरेक्टर पॉइंट निकालेंगे, डीपी लिखूं, क्या निकालना पड़ेगा? पीजीबीवी 277 700 × 6%। इनटू कैलकुलेशन में ये वाला जो नॉन क्वालिफाइड है ना, इनका बिजनेस नहीं काउंट सिक्स होता, पीपी और पीजीबीवी से कैलकुलेट होता है, निकालो कितना होता है, इसलिए मैंने पीजीबीवी लिखा है। मैम 1662 62 162 ठीक है। फिर उसके बाद बोनस निकालना, डायरेक्टर बोनस क्या आएगा? 16 डायरेक्टर पॉइंट इनटू 1.25 कितना हुआ? बताओ जल्दी से। टू जीरो सेवन सेवन ठीक है, ये डायरेक्टर बोनस आ गया, इसलिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ऊपर बेनिफिट चला जाता है। फिर 2077 डायरेक्टर बोनस प्लस जो अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस कितना आया था? 1132 1132। टोटल कितना बोनस बना? 3209 09 3209। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 3000 का चेक बना, ओके तीन मैम। हजार के आप अगर डायरेक्टर भी क्वालिफाई करते हो एवरी मंथ, अगर 3-4 हजार आपके अकाउंट में आ रहा है, इसके एसआईपी चालू कर देना। ओके एसआईपी मैम, चालू कर दोगे तो कितना आपका इनकम बढ़ने पड़ेगा, 2-2 हजार भी, अगर 1 हजार आपने खर्चे के लिए कर लिया, अगर आप इसका आरडी में भी डाल दो तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कर लो, वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ऐसे फाइनेंशियल एजुकेशन हमें करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे अक्यूमुलेट थैंक करते करते, एक डायरेक्टर ही क्वालिफाई करते करते, एक लेडी के 2.5 लाख रुपए इनकम उनके अकाउंट में जमा हो गई थी विद इन 1.5 साल, 1.5 साल बाद ही, है ना? क्लियर? आप एक्सपर्ट बन गए हो अभी। यू सो मच मैम। अब ऐसे अपने चेक भी कॉल कर लेना आज, और जो भी बचा रहेगा उसकी जी बढ़ाने के लिए आपको बताइए कि बिजनेस बढ़ाना है फिर। और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है? सीनियर डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन आ जाएगा रविंद्र भैया, वो भी मैं लेने वाली थी। नॉन क्वालिफाइड का रोल बता देते, ये जो एक के नीचे एक डायरेक्टर निकलता है ना, तो सेम उनका तो मिलेगा भी नहीं, वैसे भी पीजीबी डायरेक्टर बोनस में कैलकुलेट ही नहीं होता है ना, तो वो अगर सीनियर डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन कल हम लेंगे, क्योंकि एकदम से आज इतना ही लेंगे, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इतना ही आज प्रैक्टिस कर लेना। रोल अप क्लियर है? सारा क्लियर है ना? रोल अप से आपका लेवल में काउंट हो जाएगा पर आपका नहीं होगा। अनम्यूट करती हूँ। यस एक मिनट ना, इसलिए अपने अप मेरा बिजनेस समझ के काम करोगे ना तो आपको ही फायदा ज्यादा रहेगा। यस रविंद्र भी अनम्यूट कर सकते हो, कर पा रहे? गुड हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैम क्वेरी, एक्चुअली मैंने एक डाउट जैसा है, मेरी ही लेग का मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है ठीक और है, मेरे बताओ। अंडर पूरा है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा स्ट्रक्चर ना हो। मेरी एक डाउनलाइन में जिससे मैं सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया, वो व्यक्ति डायरेक्टर क्वालिफाई हो गए। हाँ अब उसी डेप्थ में, यानी उन्हीं की डायरेक्ट डाउनलाइन में एक और इंडिविजुअल ने, डायरेक्ट डाउनलाइन ने, उन्होंने भी अपना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया।
मैं सीनियर डायरेक्टर तो पहले क्वालिफाई कर चुका हूँ, बिकॉज मैं मेरा साइड लेग से 900 अपना पीजीपी भी मेंटेन कर रहा हूँ, इनफैक्ट उससे ज्यादा होता है, मेरा सीनियर डायरेक्टर मेंटेन हो रहा है। आप चाहे तो कर लीजिए मैम, पर मैं ए बी सी डी आपके लेके है ना, ये डायरेक्टर क्वालिफाई होता है 1100 से है ना, इसके हाँ नीचे ये भी हो एक ई है ये भी डायरेक्टर क्वालिफाई हो रहा है। 1100 से, और मैं अपना सीनियर साइड लेग से अपना 900 पीजीपी भी मेंटेन भी कर रहा हूँ साइड लेग से। जी राइटर का राइट हाँ मैम, अब ये जो डी जो इनकम स्ट्रक्चर है मैम, बिकॉज यहाँ पर इनके नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए हैं, तो डी क्या का बिल्कुल जाता है इनकम। डी का जैसे मैं डी जो है, डी हाँ जो डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए हैं, एंड ई भी उनके नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए हैं, डी अपना साइड लेग मेंटेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज उन्होंने अपनी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ये नॉन क्वालिफाइड है एनक्यूडी, नहीं ये ये भी मैम, क्वालिफाइड है, हाँ ये भी क्वालिफाइड है, ये भी क्वालिफाइड है ये भी क्वालिफाइड है, हाँ, और कौन नहीं है ये लेकिन डी अपना ना, डी जो है क्वालिफाइड ऊपर वाले, ये अपना साइड लेग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो ये एनक्यूडी है सीनियर डायरेक्टर वाला हाँ सीनियर डायरेक्टर एनक्यूडी हो गए ना ये, हाँ, सीनियर डायरेक्टर एनक्यूडी इनको फिर जो इनकम इसका ई का कुछ नहीं आता ना उनको। है, कुछ भी नहीं आएगा इनको, कुछ भी नहीं आएगा क्यों साइड से नहीं किया इनको, बस एपीबी मिलता होगा बस एपीबी ही आ पा रहा है हाँ, इनका। जब तक क्वालिफाइड 900 क्राइटेरिया नहीं करेंगे तो चाहे एलपीबी क्यों ना लगे इस लेग से है ना, 3600 जीपी भी क्यों ना मिले फिर भी नहीं मिलेगा अगर क्वालिफाइड नहीं होते है। मैं अब ऐसे यहीं बहुत पे एक लिख रहा हूँ क्वेरी जिनकी और है मैम एलपीबी लग मेरा, रही है अच्छी खासी, एलपीबी लग रही है वो सीनियर 900 पीवी नहीं कर पाते, बताओ इतना आसान अब है। ऐसे ही क्वेरी है मैम मेरा मेरा, जैसे कि ये मेरी डाउनलाइन में है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अब डी भी अगर अपना साइड लेग मेंटेन कर लेते हैं, वो भी हाँ सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे, हाँ सीनियर डायरेक्टर और मैं भी इसी डी, अब मेरे नीचे में भी एक सीनियर डायरेक्टर आ गए, और मैं अपना 900 पीजीपी भी मैं भी कर रहा हूँ अपना साइड से, तो ये मेरा ठीक एलपीबी। है, एलपीबी नहीं ये पूरी लेक से 3600 होना चाहिए, अभी तो कितना हुआ 1100 ग्यारह, ये 900 कर रहे हैं और 1100 इधर हो रहा है, तो 3600 कहाँ हुआ, ये लेक आपकी 3600 होनी चाहिए, ये पूरा जीबी भी है ना ये लेक का, नहीं इस लेग से अगर मैं इसके 3600 करा लेता हूं, तो मेरा ये एलपीबी लेग हो जाएगा ना। 97200 जीबीवी और जीपी भी निकालेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड 27 से कर ये दोगे 27 से कर लेंगे, 3600 आ जाएगा, तो ये डी का जीबी भी इतना होना चाहिए, जीपी भी इतना होना है तब एलपीबी लगेगी, तो इसपे वर्क कर लो, इतने छोड़ो खींच लो, इनके लेवल बढ़ाओ, इससे तो नीचे वालों के लेवल बढ़ाने हैं अपने को, ठीक है आ मैम, जाएगा ठीक है 25,000 का चेक है फिर आपका, मैम, पढ़ने आ तो रहा है, आ रहा इतनी हाँ है ना, है मैम, इकट्ठी दो दो एलपीपी हैं फॉर श्योर। वाह वेरी गुड वेरी गुड, तो 50,000 का चेक है दो एलपीबी में, वो भी कैलकुलेशन डन, बताएंगे कितना पैसा आता है ना। अब ओके देखो मैम, जनरेशन में जो क्वालिफाई पीजीबी भी इनका होगा ना, तो ये पीजीबीवी में आपको 5% मिलेगा इनका, आपको अपनी पीजीबीवी का 6% मिलता है डायरेक्टर बोनस में, इनका 4% मिलेगा, क्लियर, राइट मैम, आपको अपने पीजीबीवी का डायरेक्टर बोनस जो मैंने निकाला था 6%, जो आप बोल रहे थे 6% क्यों लिया, वो आपके इसके होगा नीचे का जो पीजीबीवी होगा उसका 5% होगा, इनका 4% होगा, जनरेशंस का था मैम, ये जनरेशंस मेरे को जनरेशन पता है। तो जी मैं पूरा मैम, भेजूंगी, कल हम सीनियर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन सीखने वाले हैं कि एक सीनियर डायरेक्टर का कितना चेक आता है, बढ़ाना चाहते तो कैसे बढ़ाना है, क्लियर। बेसिकली मैम ये जो पॉइंट्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, जो मैंने क्वेश्चन आपसे कल किया था ना कि मैम कैलकुलेशन समझाइए, जो हाँ डायरेक्टर बोनस के पॉइंट्स हैं या ट्रैवल फंड्स के जो पॉइंट्स बनते हैं या हाँ जो तो ये उस पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि कैलकुलेशंस बता दें। हाँ थैंक यू मैम, ये पॉइंट बना वो टर्नओवर के हिसाब से बना हुआ रहता है मेरे पास, में चार्ट आता है एवरी मंथ चार्ट आता है कितनी वैल्यू मिली है, वो मैं आपको शेयर भी कर लूंगी या ग्रुप में शेयर करूंगी कितना इंडेक्स वैल्यू होती है ठीक है मैम, ठीक है मैम, ना, थैंक यू एवरी मैम, मंथ ज्यादा फर्क नहीं होता, 0.00 ऐसे ही 1 का ऐसे ही रहता है, और सबसे ज्यादा पॉइंट वैल्यू होती है एलपीबी की, राइट, ज्यादा अमाउंट हमें उसमें मिलता है, और दो पीजीबीवी से दो या ही, ढाई ढाई के आसपास। पीजीबीवी पे ज्यादा वर्क करो, पीजीबीवी जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना उतना इनकम आता है, क्लियर। आज का हम यहीं पे, क्योंकि एकदम से पूरा एक साथ मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, अगर सारे कैलकुलेशन वन बाय वन में सिखा रही हूँ बेसिक जैसे, अगर पूरा एक साथ बता दूंगी तो पूरा कंफ्यूजन ही हो जाएगा है ना, तो आज प्रैक्टिस करने जितने भी डायरेक्टर है तो अपना डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लोगे फटाफट आज ही, आज 2 दिन बचे क्लोजिंग के लिए, आज होगी 28 और कल है 29, तो फटाफट जो भी डायरेक्टर नहीं अपना दो, इतना अपना डायरेक्टर बोनस आप वो कर रहे हो, सिर्फ आपको हमेशा परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, फिर हम बोलते हैं अपलाइन को कि मैंने तो इतना चेक आ रहा है, आप क्वालिफाइड करो।
कुक एयर प्यूरिफायर पे वर्क कर लो जो हाई पीवी प्रोडक्ट्स है उनके लिए बात तो करो। अगर आप 50 100 लोगों से बात कर लोगे ना 2 दिन में, 50 50 2 दिन में कुक एयर प्यूरिफायर के लिए, देखना 2 तो चले जाएंगे कुक एयर प्यूरिफायर। क्योंकि देखो लॉ ऑफ एवरेज काम करता, हम वैसे काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने जॉब किया, हम लोग दिन भर कितनी कॉलिंग करते थे, 100 100 कॉलिंग करते थे, 200 200 कॉलिंग करते थे, उसमें से एक दो लोग इंश्योरेंस या लोन ले ही लेते। तो क्या हम नहीं कर सकते इतना कॉलिंग पे? इनवर चिप के लिए, इनवर चिप की नीड मैंने बताया, इनवर चिप के लिए आप बात कीजिए, डेटा आपके पास में, आपके रिलेटिव से ही बात कर लो, ज्यादा बात नहीं, रिलेटिव से बोला कि ये एक ऑफर निकाल लो कुछ अपना, है ना? तो ये चीज हमें करनी है, क्लियर? तो आज का होमवर्क है अकोमोडेशन परफॉर्मेंस, बोले सही में कितने लोगों ने निकाला था वो मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि तो जो होमवर्क मैंने दिया था। क्लियर? ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही, कल हम मिलते हैं 10:30 बजे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए। तो कल भी डायरी पेन लेके बैठे और आज इसकी प्रैक्टिस करें, डायरेक्टर बोनस की जितने डायरेक्टर एंड अबव है वो सब अपना डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।